आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने इस सत्र को देखा और अब हम सीधे सीधे आपके और इस मंच के बीच से मैं हट रहा हूं। कल्पना जी आ रहे हैं, जिस चीज का आपको इंतजार था, जो संगीत आप सुनना चाहते हैं, एक बार जोरदार ताली हो जाए कल्पना जी के लिए। कल्पना जी को मैं मंच पर बुलाऊं इससे पहले बता दूं, मैं जिक्र कर रहा था कि वो एक ऐसी लोक गायिका हैं जो फिल्मों में, फिल्मी गीतों में भी उसी तरह उतरती हैं जिस तरह लोक गीतों में, लोक गायकी में। और भिखारी ठाकुर तो बिल्कुल फोक हैं, खांटी जिसको बोलते हैं हम लोग, वो खांटी है, बिल्कुल लोक संगीत उसमें भरा हुआ है, वही सब। तो अगले 2 या 3 मिनट में कल्पना जी मंच पर आ रही हैं और आप भिखारी ठाकुर के गीतों का आनंद लें। कल्पना जी के लिए शेर कि परिंदों को नहीं तालीम दी जाती उड़ानों की, परिंदों को नहीं तालीम दी जाती उड़ानों की, वो खुद ही जान जाते हैं बुलंदी आसमानों की। कल्पना जी आए भिखारी ठाकुर को लेकर। ठाट पलान मकान भिखारी भइल चहु दिस सोर, जय श्री गुरु जय पुरो Bye.
सो मच. ये एक तरह से मैं जहां तक समझी, मैं बहुत बाद में आई, आप लोग बहुत विद्वान लोगों ने बहुत शोध किया. मुझे जब समझ में आया कि दरअसल मैं कुछ बात शेयर करना चाहूंगी. मैं आसाम से हूं और आसाम में मैं बचपन से ही आदर्श मान चुकी हूं डॉक्टर भूपेन हजारिका जी को. बंगाल में उनका परिचय देना मैं नहीं समझती हूँ, क्योंकि वो जरूरी है. आप ही लोगों ने इनफैक्ट आसाम में वो दर्जा उनको नहीं दिया, बंगाल ने उनको भूपेन हजारिका बनाया, मैं तो एक तरह से ये बोलना चाहूंगी. और उनकी जो क्रांतिकारी सोच है, वो भूपेन हजारिका मेरे लिए एक सोच है. और भोजपुरी गाते गाते, फिल्मों में गाते गाते, अलग अलग रंग के रस के गीत में गाते गई, लेकिन जब भूपेन हजारिका की सोच को मैं भोजपुरी दुनिया में मैंने ढूंढने की कोशिश किया, तो मेरे सामने एक ही नाम पे वो थम गया, वो है भिखारी ठाकुर. और फिर एक मन में एक ललसा, एक प्यास, एक तलाश, एक मैंने शुरू किया. एक लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए, क्योंकि मैंने जब खोजा मार्केट में कुछ नहीं मिला मुझे. भिखारी ठाकुर जी के नाम पे कोई कलेक्शन नहीं मिला. तो 3 साल में एक कोशिश किया, हो सकता है कुछ गलती भी हुआ होगा तो माफ कीजिएगा. शुरुआत एक किया है, मैं चाहती हूँ आगे और भी आर्टिस्ट इस पे काम करें. सो सेकेंड सॉन्ग मैं जो गाना चाहती हूँ वो आप सब लोग जानते हैं, विदेशिया नामक नाटक से है सेकेंड सॉन्ग. बीतत बाटे अठ पहाड़िया हो डगरिया जोहतना.